हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, गिज्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मोटोरोला ने अपना नया स्मार्टफोन मोटोरोला वन एक्शन लॉन्च कर दिया है। मोटोरोला वन एक्शन एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जिसमें हमें देखने मिलता है 6.3 इंच फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले, 3500 एमएच की बैटरी जो 10 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। ये स्मार्टफोन चलता है सैमसंग के एक्जीनोस 9609 प्रोसेसर में जिसमें हमें देखने मिलता है 4GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें दिया गया है 12 MP का मेन सेंसर, 16 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 5 MP का डेप्थ सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 12 MP का इन स्क्रीन सेल्फी कैमरा। मोटोरोला वन एक्शन पंच होल डिस्प्ले के साथ तो आता है लेकिन इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने मिलता है। इसमें हमें देखने मिलता है रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो मोटोरोला के लोगो के ऊपर है। मोटोरोला वन एक्शन फिलहाल तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन जब ये इंडिया में अवेलेबल होगा तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी 20,000 के आसपास। सैमसंग अपने तीन नए मिड रेंज स्मार्टफोन में काम कर रहा है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M21, सैमसंग गैलेक्सी M31 और सैमसंग गैलेक्सी M41। गैलेक्सी M31 में हमें देखने मिलेगा एक्जीनोस 9609 प्रोसेसर और जो डुअल कैमरा के साथ आएगा जिसमें है 24 MP का मेन सेंसर और 5 MP का डेप्थ सेंसर, और इसमें हमें देखने मिलेगा 4GB की रैम। और जो सैमसंग गैलेक्सी M31 होगा उसमें हमें देखने मिलेगा स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर और ये स्मार्टफोन आएगा ट्रिपल रियर कैमरा के साथ जिसमें है 48 MP का मेन सेंसर, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 5 MP का डेप्थ सेंसर, और ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 6GB की रैम। और जो सैमसंग गैलेक्सी M41 होगा उसमें हमें देखने मिलेगा एक्जीनोस 9630 प्रोसेसर और ये स्मार्टफोन भी आएगा ट्रिपल रियर कैमरा के साथ जिसमें 64 MP का मेन सेंसर, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 5 MP का डेप्थ सेंसर, और ये स्मार्टफोन में भी हमें देखने मिलेगा 6GB की रैम। सैमसंग के ये तीनों मिड रेंज स्मार्टफोन इस साल के एंड तक लॉन्च हो सकते हैं। एक नई लीक निकल के आ रही है हुआवे की तरफ से जहां हुआवे एक नया स्मार्टफोन लॉन्च की तैयारी कर रहा है जिसका नाम है हुआवे P Smart Pro। हुआवे P Smart Pro एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जिसमें हमें देखने मिलेगा पॉपअप सेल्फी कैमरा। यह स्मार्टफोन आएगा 5.65 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ जो चलेगा किरिन 810 प्रोसेसर में जो हमें ऑनर 9X प्रो में भी देखने मिला है। हुआवे P Smart Pro आएगा 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और यह स्मार्टफोन चलेगा एंड्रॉइड 9 पाई पर। हुआवे P Smart Pro की फिलहाल तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे ही इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी हम आपको भी अपडेट कर देंगे। एक नई लीक निकल के आ रही है ओप्पो की तरफ से जहां ओप्पो 28 अगस्त को इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है जिसका नाम है ओप्पो रिनो 2 5G। ओप्पो रिनो 2 5G में हमें देखने मिलेगा वुक 3.0 फास्ट चार्ज, 20 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करेगा। ये स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। ओप्पो रेनो में हमें देखने मिला था ट्रिपल रियर कैमरा लेकिन इसमें हमें देखने मिलेगा क्वाड रियर कैमरा सेटअप। ओप्पो रिनो 2 भी ओप्पो रेनो के तरह शार्क फिन सेल्फी कैमरा के साथ आएगा और ये स्मार्टफोन में हमें देखने मिलेगा 20x जूम। ओप्पो रेनो में हमें देखने मिला था 10x जूम लेकिन ओप्पो रेनो 2 में हमें देखने मिलेगा 20x जूम फीचर। ओप्पो रेनो 2 की फिलहाल तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन जैसे ही इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम आपको भी अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट वीक वीवो अपना एक नया स्मार्टफोन वीवो iQOO Pro 5G लॉन्च करने वाला है और लॉन्च के पहले ही वीवो ने इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स अनाउंस कर दी है। वीवो iQOO Pro 5G में हमें देखने मिलेगा 6.41 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4500 एमएच की बैटरी। ये स्मार्टफोन चलेगा क्वालकॉम के नए प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 प्लस पर जिसमें हमें देखने मिलेगा अप टू 12GB रैम और अप टू 512GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया है ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें 48 MP प्लस 13 MP प्लस 12 MP का ट्रिपल रियर कैमरा, और सेल्फी क्लिप में दिया गया है 12 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। और ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि वीवो का iQOO Pro 5G दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा लेकिन इसकी प्राइस क्या होगी इसके बारे में तो अब तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है लेकिन जैसे ही इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको भी अपडेट कर देंगे। सैमसंग ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि सैमसंग एक लॉन्च इवेंट रखा है इंडिया में अपने सैमसंग ओपरा हाउस बेंगलुरु में 20 अगस्त को जहां सैमसंग लॉन्च करेगा अपना नया सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज। वैसे तो सैमसंग ने अपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज की प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है और जो अवेलेबल है सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर्स में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, पेटीएम और टाटा क्लिक स्टोर्स में। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की स्टार्टिंग प्राइस है 69,999 रुपीज और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की स्टार्टिंग प्राइस है 79,999 रुपीज। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज की ग्लोबल सेल स्टार्ट हो जाएगी 23 अगस्त से। चलिए अब बात करते हैं गिव अवे की। हमारे चैनल में फिलहाल तो तीन गिव अवेज चल रहे हैं जिसमें है Redmi K20 Pro, Xiaomi CC9 और Honor 9X Pro स्मार्टफोन्स, जिसमें से हम Redmi K20 Pro गिव अवे कॉन्टेस्ट का विनर नेक्स्ट वीक अनाउंस करने वाले हैं। अगर आपने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो चेक कर लीजिए कि आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं या नहीं। अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हमने Redmi K20 Pro अनबॉक्सिंग एंड गिव अवे वीडियो में जो भी
भी स्टेप्स बताए हैं वो आप सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए एक वैलिड पार्टिसिपेशन के लिए। ओप्पो ने अपने दो स्मार्टफोन्स की प्राइस इंडिया में कट कर दी है और वो दोनों स्मार्टफोन हैं ओप्पो F11 और ओप्पो F11 Pro। ओप्पो F11 का जो 4GB रैम विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस थी वो थी 17,990 रुपीस, जो अब अवेलेबल है 16,990 रुपीस में। और जो उसका दूसरा वेरिएंट था 6GB रैम विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइस थी 19,990 रुपीस, वो अब अवेलेबल है 17,990 रुपीस में। और ओप्पो F11 Pro 6GB रैम विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस पहले थी 23,990 रुपीस, जो अब अवेलेबल है 21,990 रुपीस में। ये दोनों ही स्मार्टफोन एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जिसमें यूज किया गया है मीडियाटेक का हीलियो P70 प्रोसेसर। और ये स्मार्टफोन आता है डुअल रियर कैमरा के साथ जिसमें है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ओप्पो F11 Pro आता है पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ और जो इसका डाउनग्रेडेड वर्जन है ओप्पो F11 वो आता है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। मिसफिट ने अपना नया स्मार्ट वॉच वेपर एक्स लॉन्च कर दिया है जिसमें हमें देखने मिलता है 1.19 इंच एमोलेड डिस्प्ले, 300mAh की बैटरी जो 2 दिन की बैटरी बैकअप देती है। ये स्मार्ट वॉच चलता है कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन वेयर 3100 प्रोसेसर में जो आता है 512MB रैम और 4GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये स्मार्ट वॉच चलता है गूगल के वेयर OS पर। सेंसर्स की बात करें तो इसमें सारे जरूरी सेंसर्स दिए गए हैं जैसे अल्टीमीटर, एक्सेलेरोमीटर, जायरो सेंसर, हार्ट रेट सेंसर वगैरह। और कनेक्टिविटी में भी इसमें दिया गया है वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और NFC का सपोर्ट। ये स्मार्ट वॉच फिलहाल तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब ये इंडिया में अवेलेबल होगा तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी 14,000 रुपीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है ये नॉलेज औरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए तो हमारा वीडियो जरूर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।